हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज मैं फिर आपके पास एक नई वीडियो लेके आया हूँ और आज मैं आपको बताऊंगा कि मूविंग एवरेज के बेसिस पे हम इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। और मैं आपको दो मूविंग एवरेज बताऊंगा। और चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने ये ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर खोला हुआ है, तो आपने भी इसी में करना है क्योंकि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वो इसमें मिलता है, उसमें सिर्फ सिंपल मूविंग एवरेज मिलेगा अगर आपके पास जीरोधा का अकाउंट है तो। गाइस, ये हमने 15 मिनट टाइम फ्रेम पे यूज़ करना है और ये इसमें हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी देखेंगे और उसके बेसिस भी करेंगे, पर हमारा मेन काम जो वो करेगा वो मूविंग एवरेज करेगा। सबसे पहले गाइस, आपको ये पता है कि सपोर्ट क्या होती है और रेजिस्टेंस क्या होती है। तो यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन खींचते हैं, ये जैसे मैंने ये ट्रेंड लाइन खींच दी तो ये हो गया इसका एक रेजिस्टेंस एरिया। तो अगर ये अपने रेजिस्टेंस एरिया को यहाँ से कैंडल ब्रेक करती है तो ये इसकी सपोर्ट बन जाएगी और ऊपर रेजिस्टेंस बन जाएगा, तो इतना तो आपको पता है। और ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम देख रहे हैं ट्रेंड लाइन के बेसिस पे, मतलब हमको ट्रेंड लाइन बता रही है क्या सपोर्ट है क्या रेजिस्टेंस है उस पे देख रहे हैं। तो जैसे ये सपोर्ट है, अगर ये इसको ब्रेक करता तो ये रेजिस्टेंस हुआ। तो यही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे हम देखेंगे मूविंग एवरेज में। तो मूविंग एवरेज के बेस पे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखेंगे, फिर उसका जहाँ पे क्रॉस ओवर होगा तो वहाँ पे हमने ट्रेड बाय करना है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। और चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपने इस पे जाना है और यहाँ पे EMA सेलेक्ट करना है, तो ये आ जाएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पे आपने इसको वो कर लेना है, फेवरेट कर दोगे तो ये फेवरेट हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे एक EMA आ गया है तो इसको हम कर लेंगे 50। यहाँ पे हमने इसको 50 कर लेना है और ये क्लोज है ऐसे, बाकी कुछ नहीं छेड़ना आपने। और यहाँ पे कलर इसका मैं कर देता हूँ ब्लैक। तो गाइज, ये 50 जो EMA मैंने सिलेक्ट किया है, तो ये 50 जो मूविंग एवरेज है, तो ये जो हमारी 50 कैंडल की जो एवरेज होता है उसके बारे में हमको बताता है, मतलब जो हमारी लास्ट 50 कैंडल्स होंगी उसकी एवरेज निकाल के ये हमें बता देगा। और इसके अलावा हम एक और EMA ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम ले लेंगे 200। तो ये हमें बताएगा पिछली 200 जो कैंडल्स होंगी उसकी एवरेज बताएगा। यहाँ पे इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, कलर आप रेड कर लो। तो गाइस, अगर आपको ये समझने में दिक्कत है कि यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ कि इसमें से 200 मूविंग एवरेज कौन सा है और 50 मूविंग एवरेज कौन सा है, तो उसका एक तरीका है पता करने का कि जो मतलब जो लाइन कैंडल के मतलब क्लोज होगी तो वो मतलब जो उसमें मतलब वो ज़्यादा कम कैंडल्स का वो होगा। जैसे 50 मूविंग एवरेज है हमारा तो वो मतलब कैंडल के बहुत ही क्लोज होगा, तो जो जैसे 200 है तो वो थोड़ा दूर होगा, तो ऐसे हमें पता लग सकता है। अगर इसमें आपको कलर वगैरह याद करने की लोड नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं इसको 20 कर दूं तो ये और क्लोज हो जाएगा। ये देखिए, ये 20 कर दिया तो ये कैंडल्स के और क्लोज हो जाएगा, तो ऐसे आप याद करने की ज़रूरत नहीं है कि कलर वाइज। यहाँ पे मैं फिर से 50 कर देता हूँ और अब मैं इसको बताता हूँ गाइज आपने इसके बेसिस पर ट्रेड कैसे लेना है। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे खोला वो बजाज फाइनेंस का चार्ट। तो गाइज, जैसे ये जो ये है, जैसे 50 मूविंग एवरेज EMA 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर देगा, वहाँ पे हमने बाइंग पोजीशन बनानी है। ये देखिए, ये यहाँ पे ओनली 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इंट्राडे में, ठीक है गाइस। और मैं पीछे आपको दिखा देता हूँ बैक टेस्ट करके, मैं भी सिर्फ बाय का बता रहा हूँ, आगे मैं आपको सेल का भी बताऊँगा। ये देखिए गाइस, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ था, यहाँ पे हम बाय कर सकते थे। जहाँ पे भी 50-200 मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर देगा, 50 मूविंग एवरेज EMA, तो वहाँ पे हमने बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए गाइज यहाँ पे, और एग्जैक्ट जैसे गाइज यहाँ पे आपने बाइंग पोजीशन बनानी है तो नीचे आपका स्टॉप लॉस भी होना चाहिए, वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं।
ये देखिए गाइस, यहाँ पे तो टारगेट आपने छोटा रखना है छोटा रख सकते हैं, बड़ा रखना है बड़ा रख सकते हैं। अब ये मैं पंजाब नेशनल बैंक का चार्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पे गाइस आज मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक पोजीशन बन रही है जहाँ पे अभी हम बाय कर सकते हैं ये पंजाब नेशनल बैंक को। यहाँ पे इसने क्रॉस ओवर दिया है तो इसमें टारगेट काफ़ी बड़ा हो सकता है। इसको अगर वन डे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ पे भी वर्क करता है, पर वन डे टाइम फ्रेम पे अगर हमने यूज़ करना है तो ये पोजिशनल ट्रेड करना है, फिर करना है। अगर आपने इंट्राडे के लिए करना है तो 15 मिनट यूज़ करेंगे। यहाँ मैं फिर 15 मिनट कर देता हूँ। गाइस जैसे यहाँ पे क्रॉस ओवर देगा यहाँ पे आप पोजीशन बना सकते हैं। अगर टारगेट छोटा लेना है छोटा ले सकते हैं, अगर बड़ा लेना है तो उसके होल्ड करके रख सकते हैं, पर आपने स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना है। विदाउट स्टॉप लॉस कुछ नहीं करना। आईटीसी का दिखा देता हूँ मैं चार्ट। ये देखिए गाइस यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है। तो ये ट्रेड आपको वीक में मतलब एक दो बार मिलेगा, तो आपको चार्ट देखने पड़ेंगे कौन सी कंपनी का चार्ट है जो ऐसी मतलब कंडीशन में है, फिर वहाँ पे आपने पोजीशन बनानी है। ये देखिए गाइस यहाँ पे कितना बड़ा टारगेट अचीव हुआ था अगर आपने ट्रेड लिया होता तो। भाई आपने जो भी ट्रेड लेना है पहले प्रॉपर बैक टेस्टिंग करनी है, उसके बाद ही मतलब कोई भी पोजीशन बनानी है। सिर्फ मेरे कहने पे कोई पोजीशन नहीं बना लेनी है। और अगर गाइज आपने सेल करना है तो सेल भी ऐसे ही करना है जैसे ही मतलब 50 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज को नीचे की ओर क्रॉस ओवर देगा तो वहाँ पे हम सेल करेंगे। ये देखिए गाइज और किसी कंपनी का चार्ट देख लेते हैं। ये देखिए गाइस यहाँ से तो गाइस ये मैंने आपको बैक टेस्टिंग करके दिखा दी है, और अगर आपने ये स्ट्रेटजी अपनानी है तो इसको आप वो कर सकते हो, पहले बैक टेस्टिंग करके देखना उसके बाद ही ट्रेड लेना। और गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह का कंटेंट देखने के लिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू।